नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान में 22 दिसंबर को मौलाना मजहर की जयंती है और आपको बता दें कि ठीक 23 दिसंबर को प्रत्येक साल की तरह इस वर्ष भी सिवान के दरोगा राय कॉलेज में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के द्वारा मौलाना मजहर साहब की जयंती समारोह को मनाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इस बार भव्य कार्यक्रम है, दो शिफ्ट में कार्यक्रम को बांटा गया जिस तरीके से हर साल होता है। दोपहर में 10:30 बजे माल्यार्पण होगा और फिर राष्ट्रीय गान होगा और फिर कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा जिसमें संगोष्ठी भी होगी और इस संगोष्ठी में विद्वान जो है वो वक्ता आ रहे हैं जो कि प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी राम यादव हैं जो बनारस के हैं और लक्ष्मण यादव दिल्ली से हैं, जयंत कुमार जिज्ञासु जो दिल्ली से हैं, डॉक्टर हारून शैलेंद्र, डॉक्टर लाल बाबू यादव जो जेपी यूनिवर्सिटी से हैं, डॉक्टर इंदु वाराणसी से हैं, इलाहाबाद से डॉक्टर आरपी यादव और प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव जो एमएलसी हैं, डॉक्टर महमूद हसन अंसारी, ये तमाम विद्वान लोग हैं जो कि आपको बता दें कि ये मुख्य वक्ता हैं। और शाम को जो कवि सम्मेलन मुशायरे का आयोजन किया गया है उसमें बड़े बड़े शायर व शायरा देश भर के आ रहे हैं सिवान में की धरती पर शिरकत कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इसी को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था जो कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने अपने आवास पर की थी। तमाम शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे और प्रखंड से भी लोग पहुंचे हुए थे और इस बार अवध बिहारी चौधरी ने बताया कि बहुत बड़ी तैयारी है, जो बाहर से शायर शायरा आ रहे हैं या फिर विद्वान जो वक्ता आ रहे हैं इस बार उन्हें सुनने के लिए आप भारी से भारी तादाद में सिवान के दरोगा राय कॉलेज में पहुँचे। तो आइए सीधे ले चलते और सुनते हैं कि अवध बिहारी चौधरी जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रेस वार्ता कर क्या कुछ कहा। एटीएन लाइव के लिए रिशु और आतिफ के साथ चंदन कुमार सिवान। बैठिए ना। ए मुरारी आ रहे इन लोगों को हम लोग पहले तो सरकार के तरफ से जो परिवार राष्ट्रीय जनता दल के जो पूरे जिले के जो काम करने वाले संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उन तमाम लोगों के तरफ से आप जो पत्रकारिता जगत में चाहे आप प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, सिवान अपने निवास पर सब लोगों के तरफ से मैं आप तमाम लोगों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आपको मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों को एक रोज और हम लोगों ने बुलाया था, वो दिन कमेटी ही थी और ये बात हुई थी कि एक दिन और हम लोग बैठेंगे बुलाएंगे, तो बुलाने का विषय यही है। 26-27 वर्षों से देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और कौमी एकता के प्रतीक और बड़े महान विद्वान त्यागी पुरुष मौलाना मजहरुल हक साहब की जयंती मनाने का काम राष्ट्रीय जनता दल परिवार करते रहा। इस वर्ष भी 23 दिसंबर को हक साहब की जयंती काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाने का
मौलाना मजरुल हक तैयारी समिति ने लिया है और उस समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि मौलाना मजरुल हक साहब की जयंती दारोगा प्रसाद राय महाविद्यालय श्रीनगर के खेल मैदान में ही मनाने का कार्य होगा और यह भी तय हुआ कि 9 बजे से 23 तारीख को 9 बजे से व्याख्यान होगा, सेमिनार होगा। उस सेमिनार में देश के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया जाए और फिर हम लोगों ने, समिति ने भिन्न भिन्न जगह दूरभाष पर विद्वानों से उस सेमिनार में सम्मिलित होने के लिए आग्रह किया गया और जितने विद्वान थे उनमें अन्य जगह व्यस्त रहने के कारण कुछ लोगों ने स्वीकृति नहीं दी, लेकिन कुछ लोगों ने स्वीकृति देने का काम किया। तो वो विद्वान आ रहे हैं जिनका नाम मैं आप लोगों को बतलाऊंगा और यह कार्यक्रम दीन वाला उसका विषय है कि कौमी एकता के प्रतीक मौलाना मजहरुल हक के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा और आज के भारत, भारत आज के भारत मौलाना मजरुल हक साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व और आज के भारत, यह सब्जेक्ट विद्वानों के सामने रहेगा और इसमें जो विद्वान सम्मिलित हो रहे हैं उसमें प्रोफेसर डॉक्टर चौथी राम यादव बनारसी, जो हिंदी विभाग के HOD रहे हैं। दूसरा है, आज के दिन में देश में ही नहीं विदेशों में अपने विचारों को बड़े बुलंदी से रख रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी। हालांकि अपने अच्छे विचार रखने के कारण से ही सुनने में आया है कि उस विद्वान को दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाल भी दिया गया है। उसका नाम है डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तीसरा है JNU के जयंत कुमार जिज्ञासु दिल्ली। चौथा है डॉक्टर लाल बाबू यादव, जो JP यूनिवर्सिटी के रिटायर प्रोफेसर हैं। और एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के बड़े भारी विद्वान, जो राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त सोशल जस्टिस और सप्रेस्ड क्लास आज के भारत में जो है उनके संबंध में अपने विचार व्यक्त करती है, उसका नाम है डॉक्टर इंदु बनारसी। और एक हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डॉक्टर RP यादव और जो हम लोगों के यहाँ से विद्वान हैं डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव, जो विधान पार्षद हैं। लाल बाबू यादव को मैंने कहा JP यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर
रहे, एग्जामिनेशन कंट्रोल रहे हुआ रहे हैं। और डॉक्टर लोकल में डॉक्टर हारून शैलेंद्र साहित्य के बड़े विद्वान हैं, और डॉक्टर महमूद हसन अंसारी, मतलब वक्ताओं में ये लोग प्रमुख लोग हैं। और इन्हीं लोगों को बोलना है, तो ये कार्यक्रम 5 बजे 5:30 बजे तक चलेगा दिन में। ये पहले सत्र का काम, पहले सत्र का काम है। उसके बाद से सत्र की, प्रथम सत्र की समाप्ति हो जाएगी, फिर सारे लोग अपने मतलब जहाँ ठहराव होगा वहाँ लोग जाएंगे, और उसके बाद रात्रि का प्रोग्राम होगा। रात्रि के प्रोग्राम में राष्ट्रीय स्तर के कवि, शायर, शायरा, कवित्री, इन लोगों को हम लोग 8:30 बजे से रात्रि में हम लोग कार्यक्रम शुरू कर देंगे और जो हमारे दिन में दूर दूर के जिला भर के लोग आएंगे, गोपालगंज से भी लोग आएंगे, देवरिया से भी लोग आएंगे, बलिया से भी लोग आएंगे, आते रहे हैं, तो ये 5 बजे 5:30 बजे तक चलेगा। तो उन लोगों को मतलब घर जाने से लेट हो जाएगा, इसलिए मैनेजमेंट ने तय किया है कि उन तमाम आए हुए लोगों को घर नहीं जाने पड़े, इसलिए उनको रात्रि का खाना लिट्टी और चोखा, जाड़ा का दिन है, सबको लिट्टी और चोखा यहीं खिलाया जाए। हर साल यही हर साल उसी परंपरा के आधार पर, और वही परंपरा के आधार पर खिलाया जाएगा, ताकि वो लोग खाना खा लें और समय से फिर दारोगा राय कॉलेज में रात्रि का सेकंड पाली का कार्यक्रम देखने के लिए लोग एकत्रित हो जाएं। तो आप लोगों के माध्यम से इस सिवान वासियों को, अगल बगल के जिला के लोगों को, यह समिति आग्रह करती है राष्ट्रीय जनता दल कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के महान नायक जो रहे हैं, स्वतंत्रता के फाउंडर जो रहे हैं, उनके जयंती समारोह के फर्स्ट और सेकंड दोनों सीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा अपने भागीदारी को दें। और सेकंड पाली में जो लोग आ रहे हैं कवि और शायद, उन लोगों का भी नाम मैं सुना रहा हूँ आप लोगों को। इसमें नईम फराज अकोला के हैं, सुफियान काजी खंडवा के हैं, कासिम खुर्शीद एक बिहार के पटना के हैं, अच्छे हैं, कलीम कैसर गोरखपुर के, शैलेंद्र मधुर इलाहाबाद के, परवेज कासमी आसनसोल के, सरफराज अहमद दिल्ली के, प्रमोद पंकज बाराबंकी के हैं, अली बाराबंकवी बाराबंकी के हैं, भूषण त्यागी बनारस के हैं, श्रीमती सुमन दुबे लखनऊ के हैं, मोहतरमा सब्बा बलरामपुरी बलरामपुर के हैं, रुचि द्विवेदी अयोध्या के हैं, मोहतरमा नुसरत अतीक गोरखपुर के हैं, संजय मिश्रा गोपालगंज के हैं, सुभाष चंद यादव गोरखपुर के हैं, अबरार कासिम अमरावती के हैं, संपत सरल जयपुर के हैं, माजिद देवबंदी दिल्ली के हैं। तो ये तमाम लोगों की स्वीकृति मिली है, ये तमाम लोग आ रहे हैं, और इस कवि सम्मेलन और मुशायरा का
अध्यक्षता हम लोगों के सिवान के लोग उन्हें उस्ताद शायर कहते हैं, जो ब्रजकिशोर हाई स्कूल से रिटायर किए शिक्षक थे, कमर सिवानी के अध्यक्षता में ये मुशायरा कवि सम्मेलन का कार्यक्रम चला। ये कितने बजे तक चले? ये मैंने कहा कि 8 बजे, हम तो 8 बजे हम टाइम दे रहे हैं। हाँ, अरे बुझ ही रहे हैं, 2-4 मिनट इधर उधर भी होता है, लेकिन 8 बजे हम समय देते हैं कि सेकंड कवि सम्मेलन और मुशायरा का कार्यक्रम 8 बजे से हम लोग चाहेंगे कि शुरू हो जाए, इसलिए कि जब इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तो एक कोई सुना दिया चला गया तो मैंने लोग को लगता है कि नहीं, एक सुनाए चले गए और एक को होना चाहिए, इसलिए कम से कम दो दो एक आदमी सुनावे, उनको दो बार पालका मिले, दोबारा चांस मिले तो टाइम से शुरू कराएंगे तो ये होगा। तो ये है कार्यक्रम। हम आप तमाम पत्रकार, चाहे छायाकार हो, पत्रकार हो, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, आप तमाम बंधुओं से मेरा निवेदन है, राष्ट्रीय जनता दल सिवान जिला आपसे आग्रह करती है कि इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय जनता दल सिवान जिला की तरफ से तो लोग आयोजित करके करने ही जा रहे हैं, करेंगे, लेकिन आप सिवान के रहने वाले हैं, आप लोगों को भी काफ़ी जिम्मेवारी है कि इस कार्यक्रम को आप सफल बना लें, इसलिए काफ़ी सक्रिय सहयोग हम राष्ट्रीय जनता दल के जिला के आए हुए सभी कार्यकर्ता आप लोगों से भी यही आशा और उम्मीद रखते हैं, और हम चाहेंगे कि इसको भव्य बनावें, और दिन का भी मैसेज आप देंगे, दिन का भी जो कार्यक्रम है बड़े गंभीर कार्यक्रम है और बहुत गंभीर विषय है, इसलिए वो क्या किस तरह से चलता है उसको सफल बनाने में आपकी अहम भूमिका रहेगी, और आप लोगों को प्रॉपर बैठने का व्यवस्था यह व्यवस्थापक मंडल है वहाँ करेगी, और आप लोगों से भी मेरा निवेदन होगा कि आप लोग भी कार्यक्रम रात्रि के शुरू होने के पहले आप लोग भी यहाँ आ करके लिट्टी चोखा का आनंद लीजिएगा, और आप लोग तो तैयारी में रहवे करते हैं, जो ड्रेस में है थोड़ा और गर्म कपड़ा पहन कर आइएगा, और आग का भी व्यवस्था वहाँ कराएंगे, धुनी जंग क्या बोलता है जो लकड़ी जलाने वाला, वो भी अलाव की भी व्यवस्था कराएंगे। आज हमने अपने जिला के सभी जो प्रखंड के अध्यक्ष लोग और संगठन के पदाधिकारी सब प्रखंड के हैं, जिला अध्यक्ष ने सब लोगों को टेलीफोन करके, और हम स्वयं जहां मिले हैं, हम घूमने वाले आदमी हैं, जहां जहां गए लोगों से कहे कि आइए, इसलिए इन लोगों को बुलाया गया कि इन लोगों को भी लगे कि भाई मतलब हम लोगों को इसमें हमारी भागीदारी है, यह कोई नहीं समझे कि अकेले हम हैं, हम तमाम लोग इसमें हैं, ये प्रोग्राम हम तमाम लोगों का है, सामाजिक न्याय और आपसी भाईचारा और समरसता, एकजुटता, एकता मौलाना मजरूल हक साहब के सोच और समझदारी थी, वो हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि आइए मिलजुल करके हम लोग भारत को सांप्रदायिकता से बचाएं और सद्भावना पैदा करें, देश को जोड़ने का काम करें, तोड़ने वाले विचारधारा को हम रास्ते पर ले आने के लिए उन्हें संदेश देने का काम करें, तो ये तमाम लोगों को बुलवाए हैं, कार्ड छप कर आ गया है, तो ये तमाम लोगों को हम कार्ड दे देंगे, तो जो व्यवस्थापक मंडली है इनका निर्णय है, तो हमारे हर ब्लॉक के आए हैं, इनको हम कार्ड वितरण करेंगे आज, आप लोगों से प्रथम पाली हो गई, आप लोग व्यस्त हैं क्योंकि आप लोगों को भाई हर घटना के बारे में भी देखना है, जाना है, समझना है, बुझना है, मैसेज भी देना है, समय आपके पास कम है,
तो आप लोगों के कार्यक्रम समापन के बाद कार्ड वितरण का कार्यक्रम होगा। इसी कार्यक्रम के लिए हम लोग जिला के हरेक ब्लॉक के 5-5, 8-8 संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बुलाए हैं। आप लोग आए, राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से आप लोगों को पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। यह आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोग हमेशा सहयोग करते रहे हैं, इसमें भी सहयोग करें, आपके मान सम्मान और जिला के मान सम्मान को पूरे बिहार में प्रसारित और प्रचारित करने का आप ही माध्यम है। आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप निश्चित इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और इस कार्यक्रम को आप भी अपना कार्यक्रम समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।